गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी स्टडी चल रही है? रेगुलर रेगुलर हार्डवर्क करते रहना है। 12th क्लास है, बोर्ड एग्जाम लाइटली मत लीजिएगा बिल्कुल। वीडियोस के द्वारा ही स्टडी अभी करनी है आप लोगों को, और उसे रेगुलर रखें। ध्यान रखिए, जितना पढ़ाया है, जितने चैप्टर्स के टेस्ट हो गए हैं, जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे आपका प्रिपेयर होना चाहिए। कभी भी टेस्ट उसके बाद हो सकते हैं, तो आप लोग रेगुलर स्टडी रखें। क्लास टेस्ट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। क्लास टेस्ट कभी भी आपका, जब भी स्कूल ओपन होगा, आपके प्रिपेयर होने चाहिए सब चैप्टर्स। नाउ लेट्स वी स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 8, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में खनिजों द्वारा पोषण की क्रिया। देखिए, पौधों के अंदर जितने भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनका पोषण जो होता है, यानी वो जो न्यूट्रिशन प्लांट्स जो गेन कर रहे हैं, वो सिंपली किससे गेन कर रहे हैं? खनिज लवणों से। जिसमें से टोटल जो है वो 17 खनिज लवण जो है वो मुख्य पोषक तत्व के रूप में माने जाते हैं, असेंशियल होते हैं। यानी उनमें से कोई भी अनिवार्य पोषक तत्वों की संज्ञा उन्हें हम देते हैं। तो क्वेश्चन, अनिवार्य पोषक तत्वों की संज्ञा कितने तत्वों को दी जाती है? तो हमारा आंसर होना चाहिए 17। और आज हम बात कर रहे हैं कुछ और अन्य पोषक तत्व की, कि पौधों के अंदर उनकी क्या स्थिति रहती है, किस तरह से उनका अवशोषण होता है, और उनकी कमी होने पर पौधे में क्या क्या लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। तो आज का हमारे है तांबा, कॉपर के बारे में हमें पढ़ना है, निकेल है और मॉलिब्डेनम है। नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर जो मृदा के अंदर इसका जो स्रोत होता है, चैल्कोपायराइट यौगिक के रूप में ये पाया जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट हो गया कि चैल्कोपायराइट यौगिक के रूप में क्या पाया जा रहा है? कॉपर पाया जाता है मृदा में। ये एक यौगिक है चैल्कोपायराइट, ठीक है, कंपाउंड है। अवशोषण इसका किसमें हो रहा है? Cu2+ या Cu+ आयन के रूप में, Cu2+ या कॉपर आयन के रूप में इसका अवशोषण होता है। किस किस में ये काम आ सकता है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो अभिक्रियाएं होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करने का मुख्य काम है। मुख्य घटक इसका है प्लास्टोसाइनिन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होते हैं, एंजाइम्स, इनका मुख्य घटक होता है प्लास्टोसाइनिन का भी और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का। ये कॉपर जो होता है मुख्य घटक होता है। न्यूनता लक्षण क्या क्या हो गए? हरिमाहीनता, यानी पत्तियों के अंदर हरे रंग की अनुपस्थिति, क्लोरोफिल की एब्सेंट का होना। नेक्स्ट इज जो होता है पुनर्ग्रहण रोग, ये हो जाता है अनाज या फलीदार फसलों के अंदर। अनाज या फलीदार जो फसलें होती हैं, उनमें जो होता है ऊतक क्षय होने लगता है उनकी पत्तियों में। जगह जगह पर ऊतक जो होता है वो हटने लगेगा, रिमूव होने लगेगा, और जो चितकबरे धब्बे बन जाएंगे। और इस रोग को, क्योंकि यदि किसकी कमी से हो रहा है? ये कॉपर की कमी से हो रहा है, इसलिए इस रोग को हम क्या संज्ञा देंगे? पुनर्ग्रहण रोग इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम का अवशोषण होता है मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में, MnO2 के रूप में होता है। एंजाइम सक्रिय रूप से एंजाइम सक्रिय रूप में उपयोगी होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हमने चैप्टर 12 में पढ़ी है, ये बात इसके अंदर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मुख्य घटक कौन सा है? क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं, तो याद रखिएगा, दोनों ही चैप्टर्स में इम्पोर्टेंट है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किस तत्व की है? मॉलिब्डेनम तत्व की होती है। न्यूनता लक्षण कौन कौन सा है? प्रोटीन संश्लेषण कम हो जाता है, रुक जाता है, जिससे कि पुष्पन यानी फूल जो होते हैं वो नहीं बन पाते जल्दी से, और फलों की वृद्धि भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, फल भी देरी से लगते हैं। निचली पत्तियों पर चितकबरे धब्बे, वही ऊतक क्षय के कारण, कैसे पत्ते जो कि नीचे वाली पत्तियां, ऊपर वाली पत्तियों की में नहीं, जैसे प्लांट है तो उसके ऊपर वाले पार्ट में एक तो लीव्स की प्रेजेंस हो, और एक ब्लो पार्ट में जितना लंबा होगा उसके जो नीचे वाली जो पत्तियां होती हैं उनमें चितकबरे धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। वी पटेल रोग क्या होता है? पत्ता गोभी के अंदर जो नई पत्तियां होती हैं उनमें क्या होगा? जो मध्य शिरा होती है, जैसे मान लीजिए ये एक लीफ है, हम कह सकते हैं कि लीफ, पत्ता गोभी की लीफ जो होती है वो उस तरह की लीफ है, तो इसमें जो मध्य शिरा होगी ये सामान्य से बहुत लंबी हो जाती है। और जब सामान्य से लंबी हो जाती है तो दोनों साइड के जो फलक वाले भाग हैं, ये फलक क्या होगा? इसमें बीच का पार्ट है, तो ये बीच में मध्य शिरा हो गई, इधर इधर वाला भाग फलक
फलक हो गया, ये फलक वाला जो भाग होगा वो कम विकसित हो जाता है। इस रोग को हम वीर पटेल रोग कहते हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, देखिए रोग के बारे में मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये जरूर पढ़ना है। और हरिवाहिनता, वही पौधों के अंदर हरित रंग, गैलीपर हरित की कमी का होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं निकल की। निकल की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक है, ये बात बताई थी साइंटिस्ट डॉल्टन ने 1988 में। डॉल्टन ने 1988 में निकल जो होता है जनरली मृदा के अंदर इसका प्रमुख स्रोत होता है और उसमें पौधों के अंदर इसके अंदर कोई कमी नहीं रहती है। ये एंजाइम यूरियाज का घटक है, यूरियाज एंजाइम का ये घटक माना जाता है। और इसकी कमी से कौन से लक्षण हो जाएंगे, देखिए यूरिया का जमाव रहता है पत्तियों के अंदर, जब यूरिया जमने लगेगा तो जब यूरिया की उपस्थिति होगी तो उसमें वही शीर्ष भाग जो होता है उसमें ऊतक जो होता है वो कम होने लगता है। जो पत्तियों का जो अपर वाला भाग है, ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला जो अपर वाला भाग है, इसके अंदर ऊतक क्षय धब्बे दिखाई देते हैं। हरिवाहिनता, मैंने जनरली बोला आपको कि हरिवाहिनता सब में आप लिख सकते हैं। ऊतक क्षय चकते बन जाते हैं। नवोद्भिद के विकास में देखिए, जैसे ही कोई नया पौधा ग्रो होने वाला होता है, अंकुरण होने वाला होता है, तो उसका अग्रभाग जो होता है वो विकसित नहीं हो पाता है। किसकी वजह से, यदि निकल की कमी हो जाए तो ये प्रमुख लक्षण हमने आज पढ़े हैं तांबा, मॉलिब्डेनम और निकल के। आप सारे जितने भी न्यूट्रिशन है उनके सभी लक्षण आप नोट करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।